आफ्टर 2 घंटे बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं साउथ गोवा के अपने स्टे में. एंड एक्चुअली आई एम लविंग दिस प्लेस. बहुत अच्छा है, मैं इसका हाईली रिकमेंड करूँगी इस प्लेस का. ये एयरबीएनबी भी हमने लिया है, तो इसका नीटी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो लेट्स सी कि ये कैसा दिखता है. मेरे को तो बहुत पसंद है. सो पहले इसको बंद करने के बाद सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो है ये इतनी रुचि है. क्योंकि मैं गिरूंगी नहीं, ये बहुत ही प्यारा है. बाहर कुछ जाने को मन ही नहीं करता, बट हमको जाना है बाहर. एंड उसके अलावा ये लिविंग स्पेस है, ये सारे हमारे सामान, क्योंकि अभी जस्ट हम आए हैं. ये टीवी, वाईफाई यहाँ पे है, वाईफाई का पासवर्ड हमें मिल गया है. सो एंड पीछे में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं. साथ में उन्होंने खाने का बोतल भी दिया है, गोवा में पानी मिला आसान. तो उसके बाद ये हमारा डाइनिंग स्पेस एंड वो वॉशरूम होगा, गीजर भी है साथ में. उसके अलावा हमारे पास 2 बेडरूम हैं, जो कि ये है फर्स्ट. एंड आई एम लविंग द वाइब ऑफ दिस रूम. बहुत ही अच्छा है, छोटा सा कोजी सा वाइब है. एंड गुड थिंग यू आर रेडी होने के लिए. ओके, मैंने देखा नहीं कि मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ, इट्स ओके. सो ये मिरर रेडी होने के लिए है, परफेक्ट है, लेंथ अच्छी है एंड पूरी वाइट वाइट वाइब रेडी है. दूसरा रूम जो है वो है हमारा ये रूम. एंड आप मुझे देख सकते हो यहाँ पे, इसमें एसी नहीं है, इसमें कूलर दिया गया है. आई एम लविंग द वाइब ऑफ इस एयरबीएनबी का, बहुत अच्छा है. एंड बता दूं कि ये बीच के बहुत पास है, मतलब मुझे आई थिंक 500 मीटर के डिस्टेंस पे बीच है, तो अच्छा है. एंड सेम थिंग, बेड एंड ऑल सब कुछ जैसा है वैसा है. सो अभी जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं एंड देखते हैं कि आगे का क्या प्लान करना है. सो बाय. सो साउथ में पहला बीच जो हम आए हैं वो है ये पेलेलम बीच, और ये हमारे घर के पास, स्टे के पास बहुत पास है. साथ में हमने लाया है आज केक, जो आज मेरी बड़ी बहन का. वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हर बर्थडे पेलेलम बीच पे, यहाँ पे. सो वो वॉशरूम गए, उनको नहीं पता है, बट हम केक लेके आए हैं. एंड अभी 11:30 हो रहा है, हाफ एन आवर है, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट. सो तब तक हम वाइब दिखा देती हूँ मैं कि पेलेलम बीच का वाइब क्या. आई एम लविंग द साउथ गोवा का वाइब. माई एक्चुअल वाइब, मतलब नॉट की भी पार्टी अच्छी थी, बट ये वाली काम म्यूजिक अच्छी थी, वाइब आ रही, बहुत अच्छी वाइब आ रही. तो आप तो कल और ब्लॉग में देखोगे, तब तक चलिए मैं बीच इंजॉय कर रही हूँ एंड बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ. विश हर हैप्पी बर्थडे इन कमेंट सेक्शन. तो हम पूरा साउथ गोवा बहुत गंदे तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं. मतलब पहले स्टेट फूड है, फिर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं. उसके लिए मैं फ्राइड राइस को गर्म कर रही हूँ. साथ में हमारे पास है ब्राउनीज, केक्स, यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास केक्स बहुत सारे हैं. एंड उसके अलावा हमारे पास है बहुत सारे मैगी, हमने पूरा प्लान करके रखा है. जस्ट हम अपना ब्रंच खत्म करेंगे हमारा आज का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है एंड हमारे पास बहुत सारे वैरायटीज हैं. हम इनको खा के साउथ को एक्सप्लोर करने वाले हैं. गोवा में गोवा वाली वाइन खानी चाहिए वही मैगी के साथ. एंड आई वी हैव सो मैनी स्वीट्स इन ब्रेकफास्ट. I'm ready for day 2 and I'm going to explore some beaches and some hidden places. Let's go, come with me. हमने
स्कूटी ले लिया है। साउथ में हमें थोड़ा 50 रुपीज प्राइस ज़्यादा लगा, 400 पर डे, एंड स्कूटी ले लिया है। अब हम निकल रहे हैं बटरफ्लाई ब्रिज पे। यहाँ पे आपको आपको लाइसेंस होना चाहिए, हमने अभी लाइसेंस दिखाया है एंड मेरे पास लाइसेंस है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग स्कूटी। लेट्स गो। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. We are on the way butterfly beach ke, but aap jab bhi idhar aao to always carry cash, kyunki aapke phone mein network nahi rahega, UPI nahi rahega, thodi bhi network nahi, Airtel Jio bilkul nahi rahegi. बटरफ्लाई बीच के लिए, सो रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स गो। कैसा था रोलर कोस्टर राइड? नेक्स्ट ट्रिप लद्दाख। इतना कॉन्फिडेंस आ गया आपको ऐसे रोड में चलाने का? ये फीडबैक मेरे इलियन राइडर ने दिया, सो आई एम रेडी फॉर लद्दाख नाउ। मेबी यू गाइस विल सी मी ऑन लद्दाख ट्रिप नेक्स्ट। उसको इतना मोटिवेट कर दिया कि अब ये लद्दाख जाने वाली है। यू गाइस कैन मीट माय इलियन राइडर। Give me the rating, sir. Please, ma'am, please give me the rating. ऐसे रोड में चलाया है इसने, क्या रेटिंग दोगी आप? मेरे को तो ऐसे धक धक हो रहा है। अरे यार, लिटरली अजीब रास्ता है यार। पर मजा आया। डेस्टिनेशन। मजा आया। पता चला है, स्कैनर है। उधर से हम लोग आए हैं, अभी वो एंट्रेंस है और अभी हम उधर जाने वाले हैं बीच के लिए। हो गया? कैश दे हो, कैश भैया, बहुत मेहनत से पानी लिया है। थैंक यू। हो गया? मैंने किया बिजनेस, मैंने भैया को ऑनलाइन पे किया और कैश लिया। बट मेरी जैसी गलती आप लोग मत करना, कैरी और कैश, भैया सबको नहीं देंगे पैसे। अरे भाई 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 पंछी बन तो ऊपर उड़ना चाहता जंगल में, नीचे की करें चाहे नीचे का। मैं ऐसी पंछी हो जो नीचे लोग ऐसा बोल बोल के कि लोग नहीं आते हैं, बहुत लोग आ गए। डॉल्फिन मिला तो दिखा दे। नहीं जाना भैया,
इतने ट्रैकिंग करने के बाद सोची थी थोड़ी शांति मिलेगी, लोग कम होंगे, बट यहाँ बहुत लोग हैं। आपको जगह, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि मैं जाऊँ। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, ये बीच है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज देखे थे, मतलब रील्स में तो इतने अच्छे देखे थे कि लोग नहीं जाते हैं, बहुत अच्छा है, छोटा है। यार मुझे ऐसी शांति वाली बीच चाहिए, मैंने ऐसी जगह पे आई, सबने आई थिंक वो रील देख ली थी। बट ये बीच बहुत ही अलग है एंड बहुत ही यूनिक लग रहा है। पानी बहुत ही ठंडी है, बहुत अच्छा लग रहा है इतने गर्मी में भी। तो ये बीच बहुत ही अलग टाइप का है, एक्चुअल में यहाँ पे आते ही बहुत मजा है। तो इट्स लाइक अ छोटा सा स्विमिंग पूल जहाँ बहुत सारे लोग स्विम कर रहे हैं, और मैक्सिमम यहाँ बॉयज ही दिख रहे हैं। बटरफ्लाई बीच से आने के बाद 50 रुपीज का लेमन वाटर पीते हुए बटरफ्लाई बीच से आने के बाद यहाँ बटरफ्लाई स्कूल नहीं है, सबका पंख जल गया इतना। इफ यू वांट टू कम देन कम इन अर्ली मॉर्निंग, अदरवाइज इस टाइम मत आना, नहीं तो हमारी तरह हालत हो जाएगी, बहुत धूप है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। इस ट्रिप में मैंने पहली बार ऐसा ऐसा काम किया है, क्या ही बताऊं मैं, आप कुछ भी कर सकते हो, बताओ। नहीं यार, सेकेंड डे ऑफ पीरियड, मेरी हालत इतनी खराब, दे में एनर्जी नहीं है, ऑफ रोडिंग कर रही हूँ मैं। सो आफ्टर बटरफ्लाई वी आर मिडिल ऑफ समवेयर, मिडिल ऑन द रोड, एंड वी आर सर्चिंग कि हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि जब आप प्लान करते हो ट्रिप तो वो लोकेशन वैसा नहीं मिलता है, बट कभी कभी अनप्लान जगह पे भी कुछ ऐसे लोकेशंस मिल जाते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है। वी आर आस्किंग यहाँ लोकल से कि कुछ नया मिल जाए, एंड वी गॉट सम आइडियाज़। तो अभी हम नेक्स्ट लोकेशन के लिए जा रहे हैं, सो लेट्स सी वो लोकेशन कैसा होने वाला है विदाउट प्लान। चलो लेट्स गो। हम आ चुके हैं अभी एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा चर्च है, सेंट एनी, हमें रास्ते में मिला तो लाइक क्यों ना हम एक्सप्लोर करें, एंड वी आर हेयर फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। चर्च आ गया, नीचे अंदर हम कुछ ब्लॉग नहीं करेंगे, बट सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इसके पीछे बीच है, तो आप एक चर्च से यहाँ पे बीच पे जा सकते हो जो कि अगोंडा बीच है। सो लेट्स सी क्या दिखता है, एंड पूरा का पूरा यहाँ पे ये वाइट एंड ब्लू की थीम बहुत ही प्यारी दिखता है। This is Agonda Beach and this is the perfect शांति वाली बीच, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मतलब इतनी शांति वाली बीच चाहिए आपको, Agonda Beach is the perfect place for you। बट एक ही प्रॉब्लम है, धूप है, शाम में आओ तो, एंड व्यू भी बहुत अच्छी है। लंच करने के बाद हम इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। वी आर हियर एट द T2's ऑरेंज स्काई एंड Agonda Beach रिजॉर्ट। सो यहाँ पे आपको स्टे भी मिल सकता है, हमने ऑलरेडी ये स्टे देखा था, बट इट्स एक्सपेंसिव लिटिल बिट,
एंड बट यहाँ पे खाने पे भी आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ क्यूजिन लाइक इंडियन चाइनीज एवरीथिंग इटालियन. सो वी आर ट्राइंग चाइनीज एंड आई एम वेटिंग फॉर फूड. खाना आ जाए बस, व्यू के साथ इंजॉय करना है. लंच सॉर्टेड. सो मी एंड माई व्यू. इंस्टाग्राम पे जाना के फॉलो करना है एंड ये सारे वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगे. सो लेट मी डू माय फोटो शूट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. नाउ वी आर हेडिंग बैक घर के लिए. अभी सनसेट होने वाला है तो हमारे पास 1 आवर है, तो मैं अगेन चेंज करके एंड देन फिर हम सनसेट के लिए जाएंगे देखने के लिए. आई एम लविंग दिस बैकग्राउंड साउंड and my dress just quickly changed. That's all right. It's the last day in Goa and we are packing our saman, we are packing our things and yahan pe saman, wahan pe saman, wahan pe dani puri chair, yahan pe puri saman pack karke we are heading out some place. Fir hum pack karke yahan pe rakh ke then hum kuch places aur explore karenge and then स्टेशन के लिए निकल जाएंगे. सो दिस इज आवर प्लान. इग्नोर माई हेयर क्योंकि यहाँ पे हेयर का हालत बहुत खराब हो गया. सो चलो लेट्स पैक डू पैकिंग, अदरवाइज लेट हो जाएगा. वी डोंट हैव मच टाइम. Going to explore one last beach which is Betul beach and usko karne ke usko beach pe jane ke liye thoda jungle pe jana padta hai. It's only for 2 minutes or 3 minutes by walk. Bahut shanti hai yahan pe, bahut khali hai and the view is really amazing. Jungle ke beech se hum ja rahe hain beach pe but we don't have much time, to hum thode time mein rehne wale hain. प्राइवेट बीच लग रहा है. लास्ट डे इन गोवा एंड इतनी अच्छी बीच मिली है, इतनी शांति. इट्स लुक लाइक ये हमारा प्राइवेट बीच है बट हमारे तो ज्यादा टाइम नहीं है.
अरे इस बोट को बोले हमको छोड़ दे। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. We are only here. Otherwise, यहाँ पे कोई नहीं है. इतनी शांति है. मैं I already ये बहुत बहुत बोल चुकी हूँ. But actually, यहाँ बहुत शांति है. आप boat रखा हुआ है. क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा है. My Titanic view. We are in Goa. I don't want to go. I don't believe ki mera face. Okay. I am ready. Everything is ready. Everything checked. Sab kuch clean kar diya hai humne. So Airbnb mein yadi aap rukte ho to there's a first rule ki clean everything. By the way, हमने सब कुछ क्लीन कर दिया है. नाउ आई एम चेकिंग कि कुछ बचा है कि नहीं बचा है. नो नथिंग. डस्टबिन क्लीन. डन सब क्लीन. आई लाइक टू थिंक कि यहाँ पे हमारे लिए ऐसा फर्स्ट एड के भी था. इट्स गुड. डन सब जगह पे एंड एवरीथिंग इज डन. हमारा सामान. नाउ वी आर लिविंग इन दिस रूम. सारा हमने बेड वेड भी क्लीन कर दिया है. Now we are ready. We are going to heading towards. I think we will have our lunch. Lunch करने के बाद हम स्टेशन के लिए निकलेंगे. So हम बाद में बात करते हैं. Bye. This is the next day and we reached Bangalore. Goa trip khatam ho gayi hai. I hope you guys enjoyed my old vlog. If you have any question, comment down below or check description for more details. Until then, it's me, Silvisman, signing off. We'll meet you in my next video and vlog. Till then, take care. Bye.